नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैली सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ऑल इन द टिप्स में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल खास है और ये काफी लाभदायक वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी जो डिलीटेड फाइल्स हैं वो कैसे वापस रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उसे कैसे वापस ला सकते हैं अगर आपने धोखे से कई बार अपनी जो कोई इमेज फाइल है, जहाँ कोई गाना गुना आपका जो सॉन्ग है वगैरह कुछ भी आप डिलीट कर देते हैं धोखे से, तो आप उसे कैसे वापस रिकवर कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जो विंडोज में होता है रिसाइकिल होता है, उसके जरिए हम अपना जो है रिस्टोर कर लेते हैं डाटा अगर हमने धोखे से डिलीट कर दिया, तो आप किस तरह से अपने एंड्रॉइड मोबाइल में कैसे रिकवर कर सकते हैं डाटा, तो दोस्तों देखते रहिए ये वीडियो। अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से इसे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है। सिंपल, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और आपको उसकी सर्च बार पे टाइप करना है डम्पस्टर। जी हाँ दोस्तों, डम्पस्टर। जैसे आप डम्पस्टर का सर्च करते हैं तो आपके फर्स्ट नंबर पे आ गया है ऐप। इसको 4.1 की रेटिंग मिली है, तो वैल्यूटा द्वारा बनाई गई है। तो आप इसका आइकन ध्यान से देख लीजिए, एक डस्टबिन बना हुआ है ग्रीन से बॉक्स में। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे लिखा है डम्पस्टर इमेज एंड वीडियो रिस्टोर। तो मैंने इसे आपको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हुआ है, तो आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो अगर आप इसे आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं तो मैंने लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप आसानी से इस ऐप को इंस्टॉल वहीं से भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो मैंने इसे पहले का इंस्टॉल कर रखा हुआ है, तो मैंने इसका काफी यूज भी किया है। देखिए, जो मैंने अपनी जो इमेज फाइल वगैरह डिलीट की थी वो इसमें जमा हो जाती है और आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, जिस प्रकार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ, जैसे मैं गया गैलरी में और मैं कोई इमेज डिलीट करता हूँ आपके सामने, जैसे ये देखिए मेरी इमेज है जो मैं आज इसे डिलीट करता था। तो जैसे हम इसे डिलीट करते हैं, जैसे मैंने इसे समझ लिया डिलीट कर दिया, जैसे हमने इसे डिलीट कर दिया ये होगी डिलीट। तो इसके बाद हम मैं बैक जाता हूँ, अपनी डम्पस्टर ऐप में जाता हूँ, तो आपको वहाँ पे एक इसको रिस्टोर करने का मौका मिल जाएगा। तो देखिए, जो मैंने डिलीट की थी फाइल वो डम्पस्टर में आ चुकी होगी। तो आप देख सकते हैं डम्पस्टर में जो मेरी इमेज फाइल है वो आ चुकी है, जिसे मैंने डिलीट किया था। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, इस समय ये रिस्टोर हो गई होगी। जैसे हम गैलरी में गए, गया मैं गैलरी में और देखिए यहाँ पे मेरी इमेज जो फाइल वो आ गई है। तो इसी तरह आप कोई भी इमेज या कोई भी सॉन्ग वगैरह डिलीट करते हैं तो आप आसानी से इसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीजें।